अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं आपकी मेज़बान मरियम उमर फारूक आज आपके सामने द मरियम शो में हाजिर हुई हूँ। आज हम बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। आज की जो हमारी चहेती गेस्ट हैं वो मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। शी इज़ वन ऑफ माई रोल मॉडल्स, शी इज़ ब्यूटिफुल, शी इज़ एनर्जेटिक, एक ब्यूटिफुल हाउस वाइफ हैं जो हमेशा खुश रहती हैं, जो हमेशा आपको पॉजिटिव चीज़ें बताती हैं, मेरी अपनी आपा, जिनका नाम है सायरा उमर फारूक। अस्सलाम वालेकुम आपा, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम जानी। आपा एक हाउसवाइफ हैं और बड़ी एक डेडिकेटेड हाउसवाइफ हैं। घर के सारे काम, ये चीज़ें, इन चीज़ों में आपा बड़ा इंटरेस्ट लेती हैं। तो आपा बताएं आपकी क्या रूटीन होती है और सुनाएं क्या चल रहा है आजकल? घर का सारा कुछ, हाँ, साथ साथ है सब कुछ। और मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सारा दिन कैसे गुजरता है पता ही नहीं लगता और अगले दिन का फिर इंतजार होता है कि ये करना है वो करना है घर के। अच्छा, और आपा आपकी क्या कहती हैं कि मेरा घर क्या है? मेरा घर मेरी हेवन है, मेरा पैराडाइस है, मेरी जन्नत है। जब भी हम आपा को कहते हैं कि आपा ये करना है, हमने ये वो करना है, आपा कहती है मैं बड़ा दूर रहती हूँ। वैसे तो आप हम भी दूर रहते हैं, लेकिन आपा कहती है जानी मैंने तो घर जाना। कैसे कहती हैं आपा? जानी मैंने घर जाना है, मैंने अपनी जन्नत में जाना है। आपा को हर वक्त जन्नत याद आ रही होती है और आपा कहती है मेरा घर जो है वो मेरी जन्नत है। अच्छा आपा, आप बताएं आप अपना डे कैसे स्पेंड करती हैं? घर के सारे काम, घर का खाना, घर की सफाइयाँ, घर की सारी चीज़ें, घर से रिलेटेड। थोड़ी देर के लिए मेरा दिल करता है कहीं कोई काम ज़रूरी करने चली जाऊँ और फिर जल्दी से वापस आ जाऊँ। मेरी जो आपा है वो बहुत ज़्यादा सोशल भी हैं, बड़ी हंसमुख रहती हैं, बड़ी खुश रहती हैं और ये हमारी फैमिली में सबकी फेवरेट है। बिकॉज आप कोई भी सिचुएशन हो रही हो, आपा के चेहरे पे हमेशा एक स्माइल होती है और ये इतनी एक पॉजिटिव बात है कि मुझे लगता है कि यू नो, अगर इस टाइप की एक्सप्रेशंस और चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में लाएँ तो उससे हमें बड़ा ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, उससे हमारी स्माइल। Usually when you smile all day, है ना आपा, जब आप खुश रहते हैं सारा दिन तो आपकी ओवरऑल फेशियल मसल्स भी रिलैक्स रहते हैं और आप खुश रहते हैं सारा दिन ना, बल्कि रिलैक्स हो जाता है। ये है, ये गिफ्ट है, ये अल्लाह ताला ने दिया और इससे सब कुछ ठीक और हर चीज सही लगती है। और आपा के दो बच्चे हैं, है ना आपा? बिल्कुल। एक मानूर है, बेटी है माशाल्लाह, वो इस्लामाबाद में रहती है। हाँ। और ग्रैंड डॉटर भी है मेरी। मेरी आपा एक नानी है। और बेटा मेरे साथ रहता है अली मुर्तजा। और घर में हम बहुत इंजॉय करते हैं और कुछ ना कुछ लगा रहता है। हाँ, और अली तो स्कूल भी जाता है तो उसको भी आपको भेजना होता है। सुबह से हमारा रूटीन स्टार्ट होती है और वो चलती है फ्रॉम 7 और इट गोज ऑन टिल व्हाट टाइम? कोई टाइम नहीं। तो ये आप सबके सामने है जी कि बेसिकली जो हमारी हाउसवाइफ्स होती हैं वो होम मेकर्स होती हैं। आपा रोज शॉपिंग जाती हैं। अच्छा, पर तो आप शॉपिंग में क्या क्या चीजें लेती हैं? सबसे जरूरी होती हैं सब्जियां और फल। हाँ। और वो मैं ज्यादा नहीं ला के रखती, खाए और फिर फ्रेश फॉरन ले लिया। केलों का क्या रेट है? केले आजकल 70। अच्छा, और आलू? आलू 50। और प्याज? प्याज 60। आपा को सारे रेट्स का पता है। आपा रोज एक एक चीज की शॉपिंग खुद करती हैं, खुद जाती हैं, चीजें लेकर आती हैं। उसके साथ साथ आपा अपने आप को भी बहुत ज्यादा मेंटेन करती हैं। शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ ब्यूटी ऑल्सो, मतलब कि उनको बड़ा शौक है मेकअप का। आपा का आई लाइनर भी अपनी जगह से नहीं हिलता, वो इट नेवर मूव्स, इट नेवर शिफ्ट्स। हर वक्त मैं ढूंढ ढूंढ के वाटर प्रूफ, स्मज प्रूफ। आप अपने आप को यूथफुल रखने के लिए क्या क्या चीज़ें करती हैं आपा? मैं आपकी जो सारी, सबसे ज़्यादा मुझे सूट करती है आपकी विटामिन ई जो है रोज़ वाली सिरप। हाँ। वो बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा रेटिनॉल। हाँ। और ये। हाँ। और वॉक और एक्सरसाइज सारा कुछ साथ साथ है। हाँ। और ये है कि इतनी एक्टिव और सुपर एक्टिव रूटीन है कि उसमें अपना ख्याल रखना बहुत बहुत अहम है। हम अपना ख्याल रखेंगे तो हमारी हर चीज़, हमारे इर्द गिर्द भी उसी तरह सही और अच्छी लगेगी। जितना प्यार हम अपने से करेंगे उतना ही प्यार हमारे इर्द गिर्द भी होगा। अच्छा आपा, आपको लगता है कि मतलब कि कोई डिफरेंस होता है जैसा हम डेली रूटीन में अपने काम करें तो हाउस वाइफ्स ऑफ ऑल कैटेगरीज मतलब? जी जानी, होता है डिफरेंस। हमें बहुत हेल्प मिलती है हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह,
डोमेस्टिक हेल्पर्स जो हैं उनकी वजह से हमारा घर का जो सिस्टम है वो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, लेकिन जो ये लोग हैं इसमें इनकी इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं है, इनको हमसे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है जो कि फटीग और एग्जॉशन हो जाती है उससे। जो घर का हमारा भी काम है उससे हम भी बहुत थकते हैं, लेकिन हमें बहुत सारी हेल्प मिलती है, हमें चीज़ें हमारे साथ कटिंग हो जाती है, फिर हम पका रहे होते हैं कुकिंग का, ठीक है ना, हमारे साथ किचन में बहुत हेल्प हो जाती है। अच्छा आप मुझे बताएं कि वो जो खवातीन है वो अपनी ब्यूटी को कैसे मेंटेन कर सकती हैं? वो उनके लिए सबसे बेहतर ये होता है कि वो अपने लिए टाइम निकालें, ख़ास तौर पे शाम के टाइम जब उन्होंने अपने दिन की सारी चीज़ें कर ली हैं, तो वो अपने लिए चूज़ कर लें थोड़ा सा टाइम और उसमें वो अपने आप पर ज़रूर कॉन्सनट्रेट करें। ये बहुत ज़रूरी है सब के लिए। हाँ, चाहे वो आधा घंटा हो, जो भी हो, 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, बट दे आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट दोस 15-20 मिनट, क्योंकि घरों के कामों से इंसान सब कुछ कर लिया, क्रीम्स अपना क्लेंजिंग अच्छी सी कर ली, अच्छा सा जल्दी से मास्क बना के लगा लिया, मरियम जो बताती वो वाले मास्क बहुत अच्छे हैं, और मैं तो आपके जो सारे मास्क हैं वो योगर्ट में मिक्स करती हूँ, तो वो मुझे बहुत, और बेस्ट यही है कि दही में ही मिक्स करो, क्योंकि दही के साथ जो उसका ब्लेंड आता है वो इतना ज़बरदस्त है। हाँ, यू लाइक माई प्रोडक्ट, वेरी नाइस, योर स्किन इज़ सो यूजफुल बिकॉज आपने सिर्फ यही नेचुरल चीज़ें यूज़ की हैं जो मैं बनाती हूँ। ये तो है, नेचुरल में ही है सब कुछ, क्योंकि देखो जो हम बाज़ार से कितनी सारी चीज़ें खरीद के लाते हैं उसमें फ्रेगरेंस से लेकर सारी चीज़ें जो डली हुई हैं वो उनकी शेल्फ लाइफ इतनी लॉन्ग है, वो रेल कैसे हो सकती है, क्योंकि रेल वाली चीज़ तो 2-3 दिन के बाद उसकी जो स्मेल है वो कहीं और की तरफ जा रही होती है, यानी कि उसको हमने फ्रेश के फ्रेश यूज़ करना होता है, तो आपकी चीज़ें जो हैं वो तो उसी वक्त यूज़ करनी है और फिर नई लगानी है। ये जो बाज़ार की चीज़ें वो तो पड़ी रहेगी फ्रिज में, उसको कुछ वो ख़राब ही नहीं होती, ख़राब ही नहीं होती, क्योंकि उस पर इतनी सारी चीज़ें डली हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि जैसा मेरी क्रीम्स वगैरह को ना फंगस लग जाती है, तो जब वो गीले हाथ लगाते हैं वो फंगस लगना बहुत तो अच्छी निशानी, क्योंकि फंगस इसीलिए लगी है क्योंकि वो इतनी प्योर और इतनी रियल है, फंगस आनी ही आनी आएगी ना, फटाफट लगानी है। हाँ, क्योंकि मेरा भी यही होता है, लोगों को मैं हमेशा ये समझा रही होती हूँ क्योंकि जब आप लगा रहे होते हैं ना, तो अक्सर यू नो व्हेन वी आर इन द बाथरूम जब हम मुंह धो के आते हैं तो उसी तरह गीले हाथ से ही हम क्रीम अपने मुंह पे लगाते हैं। हाँ, वो एक्चुअली मजा तो बड़ा आ जाता है, लेकिन वो होता ये है कि जब क्रीम के साथ वो पानी टच करता है तो उसमें वो बैक्टीरिया फैलता है, उसको फंगस लग जाती है। यही तो उसका, यही तो उसकी बात है, यही उसका कमाल है, यही वजह है, क्योंकि जो दूसरी चीज होगी वो तो सालों साल कुछ भी नहीं होएगा उसका। कितनी अच्छी तरह आप एक्सप्लेन करती हैं हर चीज़ मुझे ना, कभी भी मैं कभी इनसे कोई क्वेश्चन पूछूं तो शी ऑलवेज यू नो मुझे भी बड़ी आता है, तो मुझे मैं कहती हूँ हाँ आपा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, यू नो ये बात सही है। सो जो भी मैं प्रोडक्ट्स बना रही होती हूँ आई एम गिविंग इट टू हर, मैं चाहती हूँ कि वो यूज़ करें, फिर वो मुझे फीडबैक देती हैं, क्योंकि आपा आपका स्किन भी बड़ा सेंसिटिव स्किन है ना, बहुत ज़्यादा है ना, कुछ भी करो तो वो फ्लेयर अप हो जाता है। आज का कभी अभी तक इट्स बीन व्हाट अ नंबर ऑफ इयर्स, सो मेनी इयर्स आई हैव बीन यूजिंग ऑल योर प्रोडक्ट्स, देयर हैज बीन नेवर एनी रेडनेस और एनी नथिंग, इट्स जस्ट सूट्स मी फाइन, बहुत अच्छी तरह। तो बेसिकली आपकी ग्लो का राज जो है वो किशमिश, वो किशमिश है। अच्छा पर ये तो आपने बता दिया कि मतलब कि अपने लिए टाइम निकालना है, अपने आप को ब्यूटीफुल करना है, कितना थोड़ा सा टाइम, अब आप मुझे ये बताएं कि इंसान पैसे कैसे बचाए। एक एनवलोप के अंदर मैं एक साइड पर रख लेती हूँ कि ये मैंने अपने लिए, ये मेरी है चीज़ पर्सनल, और इसका मैंने अपना मेकअप और अपनी क्रीम्स जो मैंने लेनी है ख़रीदनी है वो एक अमाउंट मैं अलग कर लेती हूँ, और बाकी सारा कुछ उसको मैं टच नहीं करती, वो सिर्फ इसी के लिए। लेकिन अब आपको तो कपड़े बनाने का भी शौक है, इंसान कहाँ से अच्छी शॉपिंग कर सकता है एंड यू नो टू मेंटेन योरसेल्फ एंड नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, जहाँ ज़्यादा पैसे ना खर्च हो रहे हो आपके। सब कुछ मिल जाता है लाहौर सेंटर में, लिबर्टी, बहुत सब कुछ है वहाँ पर सब के लिए, गालिब मार्केट है और ईगा है, और लाहौर सेंटर में तो ये है कि जब आप चले जाओ थोड़ी देर के लिए तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं समझ नहीं आती, फिर ये है कि आप चूज़ करते हो और वहाँ पे बार्गेनिंग ठीक ठाक है, और फिर ये है कि दुकानदारों को पता होता है कि हम सब इस वक्त आए हुए हैं और हम कुछ ना कुछ इंशाल्लाह खरीद के जाएंगे, और आप तो बार्गेनिंग भी काफ़ी कर लेती हैं, हो जाती है। आपा एक्चुअली मैं आपा के साथ एक आधी दफ़ा शॉपिंग गई हूँ,
क्योंकि आपा को कपड़ों का बहुत शौक है, लेकिन मुझे मतलब मुझे कोई शौक नहीं है। मुझे होता है मेरे पास रेडी करके आपा या मेरी कजन मुझे रेडी करके मेरी चीज़ें मुझे भिजवा दें, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी बाजार नहीं करती, लेकिन आपा को शौक है। तो इसी तरह आपा ने आपको बताया कि आप इजीली कपड़े जाके वहाँ ले सकते हैं, दुकानदारों को पता लग जाता है कि ये शॉपिंग करने के लिए खास तौर पे आए हैं। फिर आपा अपनी दर्जी से कपड़े भी तो खुद ही सिलवाती हैं। टेलर के बने हुए कपड़ों की रेडीमेड का कोई आपस में वो कस्टमाइज होता है आपके लिए, पर्सनली फॉर यू कस्टमाइज टेलरिंग। रेडीमेड के जमाने में भी आप कस्टमाइज चीजें पहन सकते हैं और अपने बजट में खरीद सकते हैं। अच्छा जानी, मेरे से तो आपने क्वेश्चंस पूछ लिए, आप मुझे बताओ पापा की मिमिक्री बहुत जबरदस्त करती है, तो जरा करके मुझे दिखाओ। अच्छा अब मैं करती हूँ फिर कॉल पापा को, और फिर आप पापा हो तो ये इस तरह मैंने ये फोन पकड़ा हुआ और मैं कहती हूँ हेलो पापा जानी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? क्या कह रहे पापा जानी? बस कुछ भी नहीं, ऐसे जस्ट चिलिंग। अच्छा वो अली कल गया था अली मुर्तजा, तो कहने लगा कि नाना को फिर बता दे, फिर वो पापा गाड़ी डन है वो ही फिर ले लेते हैं, ठीक है ना? ठीक है। ये जो कौन सा कलर पसंद है, ब्लू या ग्रे? अली कह रहा है ब्लैक। ब्लैक? आई थॉट ब्लू वाज बेटर, ब्लू बेहतर गाड़ी है। बस अभी कहता है, पता नहीं अभी कहता है ब्लैक वाली ठीक है, वो जो स्पोर्टेज है। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा, हो सकता है कि शायद कल ना आए, एक दो दिन लग सकते हैं, तो आ जाएगी, परेशान ना हो, मतलब आ जाएगी, लेकिन ये है कि एक दो दिन शायद ऊपर भी लग सकते हैं। ठीक है बाबू जानी। और एनीथिंग एल्स यू नीड? लव यू बाबू जानी। ओके बेटा, अल्लाह। अच्छा आपा, तो आज आप मुझे बताएंगी कि आप अपनी स्किन केयर रूटीन कैसे मैनेज करती हैं? जानी ये मैं पहले लगाती हूँ और इसके बाद फौरन मैं इसको दही के साथ। आप ये कैसे लगाती हैं? मैसे लिया वाटर, ये मैं कॉटन के साथ और ये दही के साथ। आपा आपको बड़ा होता है ना कि आपके थी पिगमेंटेशन ना हो, स्किन फ्लॉलेस रहे। ये इससे मेरी पिगमेंट करके उसके बाद मास्क करती हैं। ये है पिगमेंटेशन की, हाँ। ये है पिगमेंटेशन की रियल रेमेडी। इसमें आपने जानी, इसमें आपने काफ़ी चीज़ें ऐड की हुई, ओट्स भी हैं और हनी भी है, तो वो सब मिल के वो सारा होता है, और दही बेस्ट है। ये वाला मुझे बहुत सूट करता है। उसके बाद ये जो मास्क है ये तो बेस्ट है, मास्क यूज करती हूँ मैं आपकी। ये दोनों जानी मिक्स करके लगाती हूँ, जो रेटिनॉल और ग्लोइंग, हाँ ये मैं मिक्स करके लगाती हूँ, और उसके बाद मैं, ये मुझे बहुत पसंद है आपका रोज़ और वाइटामिन सीरम, ये मैं इसके बाद लगाती हूँ। और ऑल टाइम फेवरेट मेरा लोशन है आपका, ये बहुत ज़बरदस्त है, और ये मेरा रोज़ की रूटीन है मरियम जानी। आपके ऑयल्स मुझे बहुत सूट करते हैं, आपके ऑयल्स, और मैं रोज अब आपके बाल गिरते भी थे काफी ना, तो अब तो बहुत देर हो गई, तो बहुत बेहतर हो गया ना, बहुत देर भी नहीं गए। आई थिंक तो इस ऑयल से काफी फर्क पड़ा था आपको, है ना? बहुत ज्यादा, बेबीज के टाइम पे था और उसके बाद तो बेबीज के भी बेबीज हो गए। तो ये ऑयल मुझे बहुत सूट करता है, यही मैं लगाती हूँ और 30 मिनट्स रखती हूँ और कैप पहन के रखती हूँ। उसके बाद मैं ये आपकी पूरी शैम्पू का यूज करती हूँ, और आपका मास्क मिरेकल क्रीम तो फेस, नेक और हैंड हर वक्त, जब मुझे लगे कि मेरा स्किन ड्राई हो रहा है फौरन, ये हर वक्त मेरे बैग में होती है। मेकअप के ऊपर भी लगाती है आप? मेकअप इसके अंदर मिक्स करती हूँ मैं बेस। आप अपनी बेस मिक्स करती है मेरी क्रीम के साथ और फिर शी अप्लाइज इट ऑन अ फेस। तो ये है जी आज का हमारा किशमिश का सेगमेंट। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, मीमी एंड किड्स सेगमेंट। आपा जब आई होती है तो बच्चे फुल क्रेजी हो जाते हैं मेकअप, आपा को खुद मेकअप का बड़ा शौक है, तो जब वो देखते हैं कि आपा का मेकअप पड़ा हुआ है तो वो आते हैं और आपा के मेकअप पे बिल्कुल टूट जाते हैं। तो आ जाओ बच्चों सारे, वेरी गुड। सारा के पास क्या चीजें पड़ी हुई हैं? ओ वाओ, और मेकअप कौन करेगा? आप नहीं करोगी मेकअप? नहीं, आपको नहीं शौक है सारा के मेकअप मुझे आपको शौक है। अब आप कौन सी चीजों का इनको कैसी इनको इजाजत है यूज करने की और कौन सी नहीं? सारी अभी तक तो जी, जब आपा आई होती हैं तो ये माहौल यहाँ चल रहा होता है, बेबीज फुल मेकअप खोल रहे हैं, और ईमान को भी पता है कहाँ लगानी है लिपस्टिक। ईमान ने, ये देखो जी, ईमान ने लिपस्टिक कहाँ लगानी है? इधर लगानी है लिप्स का, ईमान की लिप्स। वाओ, कहाँ लगाएगी ईमान खोली लिपस्टिक? किधर लगाएगी ईमान? अभी आपने लगाई है?
You and me. It's lip balm. करो ये लगाते हुए कर लो अभी अभी खींचो इधर 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 करके देखो उधर करके लगा और अमल को तो जी बहुत ही ज्यादा मेकअप का शौक है तो ये आप ये देखें जैसे कि आपने देखा कि आप आई हुई थी तो बच्चे बिल्कुल मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे मेकअप करना होता है और बच्चों को इतना शौक होता है मेकअप का मुझे भी बचपन में शौक था तो अब ये है कि हम हर चीज़ तो कंट्रोल इनकी नहीं कर सकते लेकिन ये बेहतर है कि अगर हम इनको अपने सामने करने दें क्योंकि हर वक्त हम इनको इन चीज़ों से रोकेंगे तो फिर ये हमसे छुप के भी मेकअप करेंगी तो बेहतर है हमारे सामने करें। अब बच्चों का जो स्किन होता है वो हमसे 10-20% ज़्यादा जो है सेंसिटिव होता है तो अच्छी तरह मेकअप रिमूव कर लें बच्चों के चेहरे से क्योंकि अब मेकअप तो उन्होंने करना ही है हर हालत में तो उसके बाद उनको पूरी अच्छी तरह क्लेंस करके साफ़ कर लें। उसके बाद बच्चों की डेली रूटीन में मतलब के हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा आपको तेल ज़रूर लगाना चाहिए बच्चों के बाल स्ट्रॉन्ग करने के लिए और उनके बाल मतलब कि अगर जड़ें उनकी मजबूत होंगी बालों की तो उसी से उनके बालों में एक बाउंस आएगा और जितनी हम इन्वेस्टमेंट एज बचपन में करते हैं उतने हमारा जो बाल हैं हमारी नरिशमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं तो उसके लिए 1 घंटा पहले आप लोग लगा सकते हैं हेयर ऑयल बच्चों के सर में और फिर कोई भी सल्फेट वाले शैम्पूज़ प्लीज़ मत यूज़ करें पैराबीन्स वाले बड़े डेंजरस होते हैं तो उसके लिए हमारा रोज़ हिप मेरे बच्चे बड़े शौक से यूज़ करते हैं रोज़ हिप शैम्पू है हमारा और रोज़ हिप कंडीशनर है क्योंकि शैम्पू के बाद जो आपका बाल होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं तो उनको और ज़्यादा नरिशमेंट की ज़रूरत होती है तो ऑयलिंग देन शैम्पूइंग एंड उसके बाद मास्क लगा लें 1 से 2 मिनट के लिए जितनी देर बेबीज़ को आप नहला रहे हैं साबुन वगैरह लगा रहे हैं या वो उनके नाखून वगैरह साफ़ कर रहे हैं नहाते वक्त उस वक्त उसके बाद आप मतलब पानी से कंडीशनर को रिंस ऑफ कर लें। अब आजकल जैसे विंटर्स हैं बच्चों का स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होता है इनको शौक भी होता है मेकअप करने का तो इनको मैं क्या करती हूँ कि लिप बाम हमारी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है इसमें हल्का सा कलर भी होता है नेचुरल तो ये होंठों पर लगा लें तो क्रैक होंठ आपके सारे ख़त्म होते हैं। उसके अलावा मैं अपने बच्चों पर और बहुत पॉपुलर मेरे ये आइटम्स हैं जैसे कि मिरेकल क्रीम हो गई और हमारी किड्स क्रीम जो है तो ये ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं जो बच्चों की स्किन पे अब्जॉर्ब बड़ी जल्दी हो जाते हैं उनकी स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं और स्किन को क्रैक नहीं होने देते तो क्योंकि ड्राइनेस की वजह से अक्सर यहाँ से स्किन फट जाती हैं तो उसके लिए ये आइडियल चीज़ें होती हैं। और जब आप उनके बॉडी वॉश दे रहे होते हैं तो अगर आप बिल्कुल सोप फ्री जाना चाहें जैसे कि मैं तो मैं क्या कहती हूँ उनको बॉडी वॉश जो है मैं अपने किड्स क्लेंजर से देती हूँ इसमें ओट्स होता है लैवेंडर होता है कैमोमाइल होता है तो बच्चे जो है वो बिल्कुल रिलैक्स फील करते हैं और इसके बाद उनको नींद भी बड़ी अच्छी आती है तो ये आप चीज़ें कर सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि विंटर्स चल रहा है तो बच्चों को एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि आप हमारा किड्स मास्क लगा सकते हैं 1 से 2 मिनट जब आप ऑयलिंग कर लें और नहाने से 1 से 2 मिनट पहले भी आप ये लगा सकते हैं और फिर नहाते हुए वो ये वॉश ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद बॉडी क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई हुई होती है तो आपने पूरी बॉडी पे जो है हमारा बॉडी रिपेयर लोशन आप लगा सकते हैं कोकोनट लोशन लगा सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा नरिशिंग होते हैं मॉइस्चराइजिंग होते हैं और बच्चों का पीएच बैलेंस भी सही रहता है और सूट रहता है। आज मैं आपसे अपनी बड़ी स्पेशल रेसिपी शेयर करने लगी हूँ दिस रेसिपी हैज़ हेल्प मी वेरी मच इन माई वेट लॉस। हर लड़की को हर खातून को यही चाहिए होता है कि वेट लॉस जल्द से जल्द हो जाए और साथ साथ हम रेडिएंट भी लगें। अब वेट लॉस हम सबको चाहिए होता है क्योंकि स्लिम रहना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जब हम ओवर वेट हो जाते हैं तो हमारा जो मूड है वो भी ऑफ हो जाता है हम कॉन्फिडेंस हमारा बिल्कुल लूज़ हो जाता है हमारा कुछ भी करने को दिल ही नहीं करता तो मैं खुद इस चीज़ से गुजरी हूँ बींग ऑन द चबियर साइड एंड नाउ आई लाइक माई सेल्फ बींग स्लिम बिकॉज आई इन्जॉय माई बॉडी आई इन्जॉय माई स्किन एंड मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा आ गया। सबसे पहले हमें थोड़ा सा पानी चाहिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया आप 1 से 2 कप बना सकें। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये जो स्पेशल वेट लॉस की इन्ग्रीडियंट्स हैं वो कौन कौन सी इन्ग्रीडियंट्स हैं ये आप सबके किचन में अवेलेबल होती हैं यू कैन यूज़ दैम। सबसे पहले इसमें है जिंजर और लेमन देसी हल्दी कलौंजी और शहद
म्यूकोलॉजी के बारे में आपने बहुत सी चीज़ें भी सुनी हैं, साइंटिफिकली लोग इसके बारे में बात करते हैं, और इस्लामिकली तो आपको पता है इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और शहद के भी आपको पता है क्या बेनिफिट्स हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि अब जिंजर आपकी बॉडी के साथ करता क्या है। ये है सामने जिंजर, इसकी 2-3 टुकड़े इसके लेके हम पानी में डाल देंगे, ठीक है। इसको अच्छी तरह हमने पकने देना है। तो जिंजर की जो प्रॉपर्टी है, इट्स अ फैट बस्टर, ठीक है, आपकी थ्रोट के लिए बहुत अच्छा है, आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और साथ जब इसका कॉम्बिनेशन लेमन के साथ होता है तो ये सारी चीज़ें आपके स्किन के अंदर एक तरह की एनर्जी ड्रिंक बन के जाती है, और आपके स्टमक की लाइनिंग से लेके आपके स्टमक का जो फैट होता है इर्द गिर्द, उसको सब ये हेल्प करता है, प्रमोट करता है फास्ट बूस्टिंग एनर्जी के साथ कि वो पिघले। हल्दी और कलौंजी जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करती हैं। जब आपका लिवर हेल्दी होता है तो आपकी ओवरऑल स्किन से लेके स्टमक से लेके जो भी इश्यूज आपके पेट में आ रहे होते हैं वो सारी चीज़ को जड़ से निकाल के बाहर फेंक देता है। हल्दी के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और कलौंजी के अंदर भी, तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन है। 6-7 दाने वैसे ही कहा जाता है कलौंजी के खाने, तो आपके कावे में भी अगर डालेंगे तो इसके असर जो दानों का है वो कावे में भी आ जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, जब इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनता है तो ये आप वो करता है क्या कि आपकी बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो जितना ब्लड फ्लो तेज़ होता है आपका मेटाबॉलिक रेट तेज़ होता है, आपकी डाइजेशन बेहतर होती है। तो मैं इसमें एक पीस के मैंने अपनी हल्दी डाल दी, और अब मैं इसमें एक चुटकी आप डाल सकते हैं, ये देखें ऐसे, और अब हम इसको पकने देंगे। एक कप आपको सुबह के टाइम पीना है और एक कप शाम के टाइम। वैसे तो खाने के बाद भी आप पी सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर ब्रेक देके, क्योंकि खाने के अगर फौरन बाद आप पानी पिएंगे कुछ तो पेट में जो खाना होता है वो फूल जाता है। तो कोशिश करके जब दोपहर का आप खाना खाते हैं तो एटलीस्ट 20-30 कदम चल के, थोड़ा सा एक्सरसाइज करके, नमाज पढ़ के, उसके बाद आप ये चीज़ पिए तो फिर डाइजेशन में भी फ़र्क पड़ता है। आजकल बहुत बड़ी टर्म हैव अ हेल्दी गट, टू हैव अ हेल्दी गट दीज आर थिंग्स दैट यू नीड। तो जितना आपका पेट साफ सुथरा और हेल्दी होगा उतना ज़्यादा वेट लॉस में आपको फ़र्क पड़ेगा। ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये ख़ास तौर पर उन ख़वातीन के लिए भी बहुत ज़रूरी है जो न्यूली जिनके बेबीज हुए होते हैं, दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी स्ट्रेसफुल टाइम, हॉर्मोन्स चेंज हो जाते हैं बॉडी में। जो लड़कियाँ होती हैं वो चाह रही होती हैं कि जल्दी जल्दी वेट लॉस हो जाए, उससे वो डिफरेंट चीज़ें खाती हैं, डिफरेंट चीज़ें करती हैं जिसमें उनकी बॉडी में वीकनेस आ जाती है। तो ये वाला कावा जो मैं आपके सामने तैयार कर रही हूँ, अगर वो इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगी और सुबह और शाम को पियेंगी, इससे आपकी डाइजेशन भी बेहतर होगी, आपका मूड भी बेहतर हो जाएगा। कि हमारे खानों में भी चीज़ें डलती हैं, ये बड़ी हेल्दी चीज़ें होती हैं, इनसे इनके ऊपर पूरी पूरी साइंस लिखी गई है कि एक एक चीज़ के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, हज़ारों की तादाद में इनकी बेनिफिट्स हैं। इनके पाउडर्स बना के गोलियाँ आ गई हैं जो आप खा सकते हैं। तो अगर आप नेचुरल वे में कंज्यूम कर सकते हैं, हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हैं जहाँ ये चीज़ें अवेलेबल है हमारे लिए, तो हमें इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीके से अपनी लाइफ में ये चीज़ें ऐड करनी चाहिए। लास्ट इसका बॉयल आ रहा है, उसके बाद मैं इसको इसमें डालूंगी कप में। आप चाहें तो इसको छान सकते हैं, बट मुझे अपने कावे में ये चीज़ें पसंद है तो मैं इसको एज इट इज़ डालूंगी, और उसके बाद फॉर एक्स्ट्रा टेस्ट तो मैं इसमें ये चीज़ें एडिड रखती हूँ, क्योंकि वो ज़रा सा उसके अंदर टेस्ट आ जाता है इन चीज़ों का ज़्यादा। आपने इस कावे को 5-7 मिनट पकाना है। हम सबका बड़ा दिल होता है कि जी हम चीनी से रिलेटेड चीज़ें खाएं। मैं आपको बताऊं कि चीनी इज़ वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स जो हम अपने स्किन के साथ, अपने डाइजेशन के साथ, अपने ऑर्गन्स के साथ ये करते हैं, क्योंकि चीनी हर चीज़ को स्लो डाउन करती है। चीनी की रिप्लेसमेंट अपनी लाइफ में शुरू करें शहद से। शहद एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है, आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, मीठे की क्रेविंग भी नहीं होती। 1 टीस्पून इस तरह आप डाल के इसके अंदर बड़े मज़े से आप कावा इंजॉय कर सकते हैं। शहद के बाद मैंने नींबू जो काट के रखा, मतलब पूरा एक फुल नींबू इसके अंदर डालेंगे, ताकि ये आपकी बॉडी के अंदर से जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसको रिमूव करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और भी लवली रेसिपीज़ के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।